अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मैच के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज की पारी ने 295 रनों से आगे खेलना शुरू किया और 16 रन जोड़कर आउट हो गई। कोहली ने किया पंत को इशारा। पंत जिस गेंद पर आउट हुए उससे ठीक पहले कोहली ड्रेसिंग रूम से हाथ हिलाते नजर आए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे चाह रहे थे कि पंत सिंगल लें। उसके पहले पहले तीन गेंदों पर पंत लगातार डिफेंस कर रहे थे क्योंकि गेंदें सीने की ऊंचाई पर आ रही थीं। कोहली ने सिंगल लेने का इशारा किया और पंत उसी कोशिश में शॉट लगा बैठे और कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत की कमजोरी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जो ने भांप ली है। छोटी गेंद पर वह खासा परेशान नजर आते हैं। मैच के तीसरे दिन गैब्रियल ने ऋषभ पंत के खिलाफ 55% गेंदें सीने के ऊंचाई से डाली। जिस ओवर में पंत आउट हुए उस ओवर में उनके खिलाफ तीन गेंदें गैब्रियल ने सीधी कंधे की ऊंचाई से डाली, जिस पर पंत खासे परेशान नजर आए और लगातार बीट होने की वजह से वे सिंगल की तलाश कर रहे थे। इस बात को गैब्रियल भांप रहे थे और उन्हें एक गेंद हल्की सी वाइड सी लेंथ वाली गेंद डाल दी और उस पर पंत शॉट लगाने चले गए। चूंकि उस शॉट पर उनका बल्ला पूरी तरह से घूम नहीं पाया और वे कवर्स में लपके गए। कमेंट्री कर रहे लक्ष्मण ने कहा कि यह के लिए सेट की गई लाइन थी कि वे इस गेंद पर ना ही ज्यादा घूम पाएंगे और न ही कट लगा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिहाज से पंत को बहुत सुधार करने की जरूरत है। पंत एक बार फिर अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए। यही और रोचक खबरों के साथ जुड़ने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।